अरे यार, कस्टमर फ़ोन किए थे, भैया का बजट 50,000 है और बोल रहे हैं कि हमको एक डेस्कटॉप दे दीजिए। अब वो बोले इंटेल के, तो अब क्या बोले कि भैया क्या क्या रिक्वायरमेंट, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बोले हमको गेमिंग भी करना है और ट्रेडिंग भी करना है। तो आज उनके लिए हम एक 50,000 में क्या पीसी बिल्ड करें आपको बताते हैं। भाई का बजट 50,000 था, तो आइए देखते हैं 50,000 में उनके लिए इंटेल i5 के साथ क्या क्या कंपोनेंट लगा देते हैं। तो सबसे बात करें हम प्रोसेसर का, तो हम लोग दे रहे हैं इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर 12th जनरेशन। अगर मदरबोर्ड देखते हैं तो मदरबोर्ड में हम लोग गीगाबाइट का B760M गेमिंग प्लस वाईफाई DDR4 रैम के साथ है ये देते हैं। एक मिड बजट में काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, वाईफाई के साथ है। और सबसे खास क्या है कि ये गेमिंग, अगर आपका ऐसे मिड रेंज का गेमिंग मदरबोर्ड है, इसका VRM सेक्शन अगर देखेंगे तो VRM सेक्शन काफी स्ट्रांग होता है। स्टोरेज की बात करें तो हम लोगों ने WD का ब्लू SSD यूज किया, जो कि एक 5 ईयर वारंटी के साथ होता है, जो कि एक Gen 4 SSD है। स्पीड की बात करें तो ये 42 MBPS की स्पीड आती है। रिक्वायरमेंट थी कि भैया मुझे 32 GB रैम चाहिए थे, बट उनके प्राइसिंग में अकॉर्डिंग 32 GB रैम नहीं आ सकता था, तो हम लोगों ने ADATA XPG का 3200 MHz का 16 GB रैम यूज किया हुआ है। अब बताते हैं इस सिस्टम को सबसे खास और सबसे मजेदार बनाने वाली जो चीज है वो हमारा ग्राफिक कार्ड है। हम लोग 3050 इसमें यूज करें, जो कि 6 GB ग्राफिक कार्ड के साथ MSI ब्रांड का है ये। पावर सप्लाई की बात करें तो हम लोगों ने गीगाबाइट का P550 ब्रॉन्ज पावर सप्लाई यूज किया है, क्योंकि इनका जो कैबिनेट है भाई का वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट है, उसके बारे में हम बताते हैं। तो हम लोगों ने गीगाबाइट का पावर सप्लाई यूज किया है। ये टोटल पीसी की कॉस्टिंग आ रही है नेट 50,000 रुपये। ऑफर में आपके 5 चीज़ें गिफ्ट मिलेंगी, कीबोर्ड, माउस, माउस पैड, मिनी स्पीकर और एक 16 GB की एक पेन ड्राइव।